अगर आपने आज तक एक नई बाइक स्कूटर कार खरीद ली है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कल यानी 1 सितंबर से कोई भी नई बाइक या स्कूटर कार खरीदने वाले हैं तो आपको कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आप कल से कोई भी नई बाइक स्कूटर कार खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अब चाहे आप हीरो की खरीदें, होंडा की खरीदें, बजाज, टीवीएस, केटीएम, किसी भी यामा कंपनी की, चाहे जिस कंपनी की आप बाइक खरीदेंगे तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ सकते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप बाइक नई खरीदते थे, स्कूटर नया खरीदते थे, तब आप 1 साल का इंश्योरेंस पाते थे, उसमें 1 साल का इंश्योरेंस होता था, लेकिन अब एक साथ ही 5 साल का इंश्योरेंस होगा। और मान लीजिए आप कोई भी बाइक स्कूटर कार खरीदते थे तब मान लो आप 1500 रुपए का इंश्योरेंस उसमें होता था, तो अब आप 5 साल का जोड़ लें एक साथ तो लगभग 7500 रुपए का आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। अब ये कंपनियां किस हिसाब से डिसाइड करती हैं ये कल पता चलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि कन्फर्म उसमें कितने पैसे बढ़े हैं। मान लीजिए 7500 रुपए, तो आप मान लें कि 1500 रुपए अगर आप नई बाइक स्कूटर कार पे देते थे तब आपको 7500 रुपए ज्यादा बाइक महंगी पड़ सकती है, और अगर आप 350 सीसी से ज्यादा वाली बाइक खरीदते हैं तब उस पे आपको 13000 रुपए भी वो महंगी पड़ सकती है इंश्योरेंस की वजह से। तो इसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप बाइक खरीदेंगे उसी प्रकार से आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, और उसी हिसाब से आपको इंश्योरेंस के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की बाइक होती है वैसे ही उस पे इंश्योरेंस का चार्ज लगता है। तो कुल मिला के मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भारत में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे तो लोग इंश्योरेंस करवा के नहीं रखते थे, तो थर्ड पार्टी को कुछ ज्यादा ही नुकसान होता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक साथ ही 5 साल का इंश्योरेंस हो जाएगा, जिससे आपको हर साल इंश्योरेंस नहीं बनवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग करवाते नहीं थे, 1 साल के बाद तो कुछ लोग करवाते ही नहीं थे। इसलिए अब 5 साल का नियम हो गया है, जिसमें आपको 5 साल एक साथ ही पेमेंट कर देनी है नई बाइक लेते वक्त, और इससे आपको 5 साल कोई भी इंश्योरेंस का झंझट नहीं होगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिससे अब आप कोई भी नई बाइक स्कूटर कार खरीदेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा पेमेंट करने पड़ सकते हैं। और कार की बात की जाए तो उस पर आपको लगभग 3 साल का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, और कार के बारे में मैं कोई भी न्यूज नहीं बताता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसा आप कार की कंपनी में जाके पता कर सकते हैं कि उस पर लगभग 3 साल का आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो इसलिए कार भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। और ये सारी चीज़ें क्लियर जब आप शोरूम पर जाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि बाइक स्कूटर कार कितनी महंगी हो गई हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी आप इस चीज़ को कमेंट में बताएं, और कुछ लोगों को अच्छी भी लगी होंगी, कुछ लोगों को ख़राब लगी होंगी, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी, क्योंकि बाइकें तो महंगी पड़ जाएंगी, 1 ही साल आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और 5 साल के लिए आपको झंझट से मुक्ति हो जाएगी। अब इसको कुछ लोग सही तरीके से लेंगे, कुछ लोग गलत तरीके से लेंगे, तो आपको कैसी लगी ये खबर इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसा भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करो क्योंकि मैंने न्यूज़ दी है। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं बाइक और स्कूटर संबंधित। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।